देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो फ्रेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है टू डिजिट कितने नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड पता करते हैं कितने टू डिजिट नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ये मैंने 1 से लेकर के 100 तक नंबर लिखे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो 1 से लेकर के 9 तक ये 1 डिजिट नंबर हैं, इन्हें कट कर देते हैं, इनसे कोई मतलब अभी नहीं है। और इधर देखिए लास्ट में ये 100, ये एक 3 डिजिट नंबर है, इसे भी कट कर देते हैं। अब फ्रेंड देखिए हमारे पास यहाँ से 10 से लेकर के 99 तक ये 2 डिजिट नंबर हैं। अब हमें चेक ये करना है इनमें से कौन कौन से नंबर जो हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जो 10 है ये तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा। देखिए जो 12 है ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। इसके आगे देखते हैं 13, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 14 ये भी नहीं होगा। लेकिन इसके आगे वाला जो नंबर है 15, ये 3 से डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 16 और 17 भी 3 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 18 ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग लास्ट में देखेंगे 99 नंबर, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो चलिए अब फ्रेंड इन नंबर्स को हम लोग एक एपी में लिख लेते हैं। तो ये फ्रेंड हमने यहाँ पर से एक एपी लिखी है, इसमें नंबर लिखे गए हैं 12, 15, 18 और लास्ट नंबर इस एपी का है 99। ये सभी नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि इस एपी में कितने नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये नंबर तो सभी डिवाइड हो रहे हैं 3 से, लेकिन ये नहीं पता कि इस एपी में नंबर हैं कितने, तो ये हम लोग पता करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर से इस एपी का फर्स्ट नंबर है 12, तो इसे हम लोग लिख लेंगे ए इजिकल टू 12। तो फर्स्ट जो फर्स्ट नंबर होता है उसे ए से लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर से इनका हम लोग कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करेंगे। तो डी फाइंड करने के लिए मैंने बताया था एपी के सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस कर लेते हैं, मतलब जो सेकेंड टर्म होता है उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, तो हमें डी मिल जाएगा। तो यहाँ पर से देखिए 15 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पर से इसका आंसर आ जाएगा 3। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से लास्ट टर्म दिया गया है, इसका लास्ट टर्म दिया गया है 99, तो यहाँ पे लिख लेंगे एल इजिकल टू 99। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, डेट इज एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं एल इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फार्मूले में फ्रेंड यहाँ से हम लोग ये वाली वैल्यूज एल ए और डी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। तो चलिए देखिए एल की वैल्यू देखिए फ्रेंड 99 है, तो यहाँ पर एल की जगह पर 99, ए की जगह पर से देखिए 12 पुट करेंगे और डी की जगह पर 3 पुट करेंगे। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी है। अब थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए जो 99 लिखा है इसे एज इट इज यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, और ये जो 12 लिखा है इसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे। और ये जो टर्म लिखा है यहाँ पर से एन माइनस 1, इसे हम लोग एज इट इज और इंटू में डी लिख लेंगे, ये मैंने लिख लिया है। अब फ्रेंड इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 99 में से 12 माइनस कर देंगे तो फ्रेंड यहाँ पर 87 आ जाएगा, इक्वल लगा करके ये राइट हैंड साइड वाला टर्म एज इट इज ऐसे लिख लेंगे। अब फ्रेंड देखिए ये जो 87 लिखा है इस 87 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये फ्रेंड 29 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो अब फ्रेंड देखिए यहाँ पर से जो 29 है इसे एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, और देखिए यहाँ पर से n माइनस 1 लिखा है, ये जो माइनस 1 है इसे उठाएंगे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ओनली n बचा हुआ है, इसे लिख लेंगे। अब फ्रेंड थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए यहाँ पर से 29 प्लस 1 ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो n को मैंने इधर लिख लिया है और इक्वल लगा करके 30 लिख लेंगे। तो ये फ्रेंड हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए हैं जो कि 30 आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मतलब ए से टू डिजिट कितने नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो फ्रेंड ए से टू डिजिट नंबर 30 हैं जो कि कम्प्लीटली 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ये फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 कम्प्लीट हो गया है।